पर हाई कोर्ट वाला विषय अभी आज हम लोग जाहिर है, मेरी आज शाम को 6 बजे लीगल टीम से ही मेरी मुलाकात है। इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे मैं कानूनी जानकार हूं नहीं, तो मेरी लीगल टीम ही उसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी। पर ये जो पर्टिकुलर विषय था, ये सिंबल को लेकर नहीं था, ये विषय ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग इस बात की मांग कर रहे थे, हम लोग या ये लोग ये सिंबल की मांग कर रहे हो या किसी और चीज़ की मांग कर रहे हो, ये वाला विषय चेयर को लेकर, चेयर ने जो एक निर्णय दिया था स्पीकर साहब की तरफ से, जो संसदीय दल का नेता बनाने का जो फैसला लिया गया था, उसको लेकर हम लोग कोर्ट गए थे कि भाई इस फैसले को बदला जाए। तो कोर्ट ने भी बहुत विनम्रता से इस बात को कहा है कि ये क्योंकि ऑलरेडी विचाराधीन है स्पीकर के पास, तो हम लोग को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए। तो बहरहाल आज शाम को हम लोग की मीटिंग है, तो जैसा लीगल टीम एडवाइस करेगी हम लोग लड़ाई लंबी। सारी शुभकामनाएं उनको, मंत्री बने हैं उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ा, पूरी पार्टी को तोड़ा, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, उसके बाद वो मंत्री बने उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर से उभर रहे हैं भाई, परिवार टूटा। आप कल्पना कीजिए ना, एक ऐसा लड़का जिसके पिता का निधन अभी कुछ महीने पहले हुआ, जिसके परिवार ने उसके साथ ऐसा किया, तो यकीनन भावनाएं भी बहुत बड़ी हुई हैं। पर वहीं यही चीज़ मुझे ताकत भी देता है, जिस तरीके से जंग सैलाब हम लोगों ने हाजीपुर में देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, और हम ही नहीं, आप ही सबके कैमरे इस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ताकत भी देती है। एक बात का विश्वास, आज की ये रिकॉर्डिंग रखिए, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे वापस दिखाइएगा, लड़ूंगा जीतूंगा। ये पार्टी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है, ये पार्टी भी मेरे पास रहेगी, और जन समर्थन जो मुझे मिल रहा है वो मेरा मनो, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को आगे लेकर जाने की है। आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरीके से, इसी तरीके से बिहार के हर एक जिले में घूम घूम कर आशीर्वाद लेने की मेरी प्राथमिकता है। चुनाव के वक्त गठबंधन क्या रहेगा, गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, जब चुनाव सामने आएंगे तो अभी भी हनुमान है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लोजपा की टूट होगी और वो जेडीयू में विलय हो जाएगा पार्टी का, मतलब अब उसको विलय कर ही दीजिए ना, जो लोग टूट के गए हैं उनका विलय करवा लीजिए भाई, जितनी जल्दी हो सके, और साथ ही में बस अपनी भी पार्टियां बचा के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी एक जनता दल यूनाइटेड में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है।